कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है, लगता है सारे के सारे पागल जैसे हमें। देखो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये तो मैं ये आप बीती से बता सकता हूं मैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है और लड़की वाले कौन है। तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न पे, तो साफ पता लग रहा था एक पूरा परिवार सिर्फ बाहर में खड़ा हुआ है। हाँ? नहीं बाहर में सब थे, खाने के इस मामले में जुड़े हुए थे। खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई। कई बार तो आते ही हुई है ना, आती उसके लिए। हाँ आती फुआ जी नुक्स निकालने, गोलगप्पे खत्म हो गए। पानी गिर रहा शॉट वाला। दिनेश व्हाट इज योर टेक ऑन क्रॉस कल्चर या सेम कल्चर, विच इज मोर बेनिफिशियल, लाइक विच इज बेनिफिशियल, कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते ज्यादा अगर एक ही कल्चर में शादी? पंजाबी पंजाबी सिंधी क्रॉस कल्चर ना, दो टाइप का खाना मिलता है। हाय ये आदमी सच्चा आदमी है यार, बातें खाने पे आ जाती है। या तो टाइम लंच का हो गया शायद इसलिए। सर क्वेश्चन रिपीट करो। क्या फायदा है, फायदे या नुकसान? देखिए उन्होंने फायदे अच्छी बोल दिए, मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग 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 क्षेत्रों के इतनी हिंदी कम बोलो, प्रदेश डिफरेंट फूड। देखो बाइलिंग में मैं भी क्रॉस कल्चर नहीं। आप खाना बनाती हैं सर? खाती बहुत हूँ। जवाब मिल गया। हाँ जी। वे क्या बनाते खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सर। दिनेश आप बनाते खाना? बढ़िया बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या यार? ये आदमी मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं। अच्छा शादी में ये कितना इम्पोर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा कच्ची कैरी डेट नाइट्स मूवी नाइट्स वेकेशंस, कितना इम्पोर्टेंट है कि पैसे खर्चना इम्पोर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं होते। हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस। क्या क्या करते हैं? माइजर। जस्ट इन केस गिव एन एग्जांपल, डू यू थिंक यू आर स्टिंजी इन रियल लाइफ? विकी थोड़ा सा तो हूं यार। गिव एन एग्जांपल, जैसे सूप 2x3 1x2 ऑर्डर करते हो जाके, जैसे आपको कंटेनर बैठे होगे एक 1x2 वेटर कहता है करीब। नहीं मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हां तो मैं तो यार इसकी कहां जाएगा? हां इसको अनलेस इट्स राजमा, राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते राजमा, पर उसके अलावा यार ये सब और कुछ कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है। जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए, मान ली कि हम बार लगाए हॉल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा मैं ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई। आप शॉपिंग करते हो कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया? जनपद जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ, वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ मैं, बहुत भी चीप हूँ मैं। सारा की कहानी सुना, ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में। लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी, मतलब क्या हो गया, मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पड़ता ठीक है। तो फिर से बात कुछ क्या हो गया, मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है। तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा ले लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली यार, इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते हम, ये बिल भर देते। वाह दिनेश जी, देखिए हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौले दे ही खाने में खा रही थी। तो बट तो कहां आप होटल से क्या क्या चीज लेके जाती है, ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, ऑल ग्रे, ऑल व्हाइट, ऑल येलो, वो सारे मैं ले जाती हूं। वो लोग पीते हैं? नहीं,
आजकल इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकार तो निकले हैं शावर जल के, तो साबुन नहीं देते हैं। कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से भी लिया है मैंने एयरक्राफ्ट से, वो जो एलमंड के केस होते हैं ना वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिया, वो मुझे बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। एक्चुअली हाँ यार सही बात, वो तो खरीदा हुआ होता है, और वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं वो काजू बेचने हैं। काजू वैसे वही की तरह है, कह रहा हम आप क्रैश कर देंगे बट काजू खरीदेंगे आप फूल रसी करेंगे। सही है। कितनी कोशिश करती है सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता मिडिल क्लास है। आप बॉडी कोशिश किया देख रहे हैं झूठी झूठी, इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है। जान निकल गई है, ऐसे ही बोलते हम हमारी पिक्चर बेच रहे। तुम्हें तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए यह सच 600 टॉलियों और मेकअप का सामान गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी गुड मिडिल। हां वो देख ना 1600 रुपए का, अब मैं जितना अमीर हो जाऊंगा मिडिल क्लास ही लगूंगा। वो प्रॉब्लम है नहीं, आप मुझे भी वही बोले। एग्जैक्टली शादी से एक दिन पहले, शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद। शादी के एक दिन पहले आई वॉज ड्रंक, शादी के एक दिन बाद आई वॉज हंगओवर। सीरियस फैक्ट है, बड़ी मस्ती ली हंगओवर। क्या ये कौन आ गया यहाँ पे? दिनेश व्हाट वाज योर, व्हाट वाज योर्स? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद। बट वही है, शादी के एक दिन पहले या सिंगल, शादी के एक दिन बाद मैरिड। एग्जैक्टली मेरे सिर्फ जिंदगी में एक डिफरेंस है कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ। और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है, लाइक मतलब एक और इंसान और बीवी। हाँ तीन लोग, माँ भी तो है। दिनेश के बाद माँ को ना छोड़ूंगा। एक रात में 2:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था पलट के, उल्टा लेट के, लाइट बंद। मैंने लाइट मूव किया, मेरी बीवी ने मेरे से करवट ले रखी थी भाई साहब। मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फटफट की आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। लेकिन पागल है, अगली अमावस्या मैंने चंद्र उठाया देखा, सिर्फ उल्टे तो नहीं होते। लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। How many people have had यहाँ पे love marriage media में? Love marriage sir, how many? हाँ कितने sir? भी हाथ नहीं उठा रहा। What? एक one lady यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा Vicky sir। हाँ Vicky।